हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी। दशम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे, बिहार का एग्जामिनेशन लगा है, यूपी पुलिस का, बिहार पुलिस का, जिसकी एग्जामिनेशन जो डेट घोषित हुई है वो घोषित हुई है 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। मतलब लगभग 4 चरणों में एग्जामिनेशन क्या होना है, कंप्लीट होना है। और इस एग्जामिनेशन पे आप काफ़ी सारे बच्चे बिहार स्पेशल को लेकर बहुत परेशान है कि सर बिहार स्पेशल कैसे तैयार किया जाए। तो हम लोग आज बिहार स्पेशल से संबंधित थ्योरेटिकल और क्वेश्चंस, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन और प्लस थ्योरेटिकल, पहले आज जो मैं क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ ये थ्योरेटिकल है। और इस थ्योरेटिकल क्लास में आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये क्या है, वो तो बेटा संबंधित है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार, जब देश हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहा था। सबको पता होगा कानपुर से हमारे नाना साहब ने, इसी तरीके से झांसी से लक्ष्मीबाई जी ने, कालपी से, बिहार से कुंवर सिंह जी ने, तात्या टोपे जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने कालपी क्षेत्र से, इसी तरीके से लखनऊ से नाम सुना होगा महक बेगम, महक कहा जाता था। तमाम सारे लोगों ने क्या लिया, हमारे 1857 की क्रांति में सभी लोगों ने क्या लिया, भाग लिया। फिर बिहार से नए नए युवा उभर कर सामने आए जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में भी क्या लिया, भाग लिया, और देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में उनका बहुत बड़ा क्या रहा, रोल रहा। आज उसी से संबंधित हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे और मैं अपनी क्लास इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ हम लोगों को ये देखना है कि कौन आदमी किस स्थान से, किस तरीके से हमारे आंदोलनों में उसने भाग लिया है। तो सबसे पहली एक नाम देख रहे होंगे खुदीराम बोस जी का, और प्रफुल्ल चंद्र चाकी साहब का नाम सुना होगा। इन्होंने मुजफ्फरनगर जिले में क्या किया, 1908 में जज डी एच किंग्सफोर्ड की इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। इतिहास आप खुदीराम बोस जी का जानते हो कि सबसे कम उम्र में इनको क्या मिली थी भैया, फांसी मिली थी। जो इतिहास के पन्नों में एक इतिहास है कि सबसे कम उम्र में दी जाने वाली फांसी किस व्यक्ति को थी, उनका नाम था खुदीराम बोस। किसके कारण दी गई थी, मुजफ्फरनगर कांड पे हुआ था, ये किस सन में हुआ था, ये जहां जहां मैं पॉइंट बना रहा हूं उनको आपको फोकस करना है, क्वेश्चन यहीं से उठना है और इसी क्षेत्र से क्वेश्चन क्या करने हैं, बनने हैं। तो 1908 में हुआ, किसकी हत्या करने पर, डी एच किंग्सफोर्ड की उन्होंने क्या करी, हत्या करी, जिसके मामले में ये दोनों लोग क्या आए भैया, चर्चा में आए, और चर्चा में खुदीराम बोस जी को क्या मिली भैया, फांसी मिली। फिर इसके बाद आगे चल के बिहार के क्षेत्र में एक समिति बनाई गई, अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना की थी सचिंद्र सान्याल जी ने। किसने करी थी, सचिंद्र सान्याल जी ने, मेन इंपॉर्टेंट है ये 1913 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है, सचिंद्र सान्याल साहब। स्थापना कब करी गई, 1913 में की गई बेटा, कब करी गई, 1913। अगला क्वेश्चन आए, हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो हिंदू बॉयज एसोसिएशन का जो गठन किया गया वो किया गया बंकिम चंद चटर्जी द्वारा। किसके द्वारा किया गया, बंकिम चंद्र, आप लगभग आपको क्लियर दिख रहा होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्वेश्चन आ जाए, हिंदू बॉयज एसोसिएशन की स्थापना किसने करी, तो आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर लिखा है पाटलिपुत्र, आप पटना का नाम सुने होंगे, बस उसी क्षेत्र की बात चल रही है। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 में, नाम याद रखिएगा, राम ब्रज बेनी पुरी। क्या नाम है, राम ब्रज बेनीपुरी साहब और अंबिका कांत सिंह साहब। तो दो लोगों ने पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना करी थी 1929 में, एक का नाम राम ब्रज बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह जी ने पटना के राय महेंद्र प्रताप के घर में की थी। तो यहां से क्वेश्चन घुमा सकता है कि पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कहां पर की गई थी, तो राय महेंद्र प्रताप के घर में की गई थी। किन व्यक्तियों द्वारा करी गई थी, राम ब्रज बेनीपुरी द्वारा और अंबिका कांत सिंह द्वारा 1929 में। अगला क्वेश्चन लिखा है, बिहार युवक संघ की स्थापना, ध्यान रखिएगा बिहार युवक संघ, ये जितने भी आप जितने भी संगठन के नाम में बोल रहा हूं, इन संगठनों का आपको फोकस करना है, इनके संस्थापक के नाम याद रखने हैं, उनके सन याद रखने हैं। तो बिहार युवक संघ की जो स्थापना की गई वो किस सन में की गई थी, ये की गई थी बेटा, ध्यान रखिएगा, 1918 में की गई थी। कब करी गई थी, 1918 में, और 1918 में जब इसकी स्थापना की गई तो किसने करी, ये करी मोती हरी जी ने। किसने करी, मोती
हरी जी ने। तो क्वेश्चन आ जाए कि बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई, 1918 में। किसने करी थी, मोती हरी जी ने। अगला क्वेश्चन लिखा है, युवक नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन पटना के व्यक्ति का नाम मैंने बताया ऊपर, अंबिका कांत सिंह जी ने जगदीश नारायण के सहयोग से किया। ये प्रथम संपादक राम ब्रच बेनीपुरी थे। कहने का मतलब यहां समझिएगा, पूरी लाइन का कहने का मतलब क्या है, एक मासिक पत्रिका छपती थी हर मास में, उसका नाम था युवक। क्या नाम था, युवक। का प्रकाशन कहां से स्टार्ट हुआ, तो क्वेश्चन आ जाए युवक का प्रकाशन कहां से स्टार्ट हुआ, पटना से। अंबिका कांत सिंह जी ने और जगदीश नारायण के सहयोग से, इन दोनों लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और उसके बाद प्रथम संपादक जो बने वो बने राम ब्रच बेनीपुरी। तो इस पूरी लाइन का मीन क्या निकल के आ रहा है, मैं दो लाइनों में एक शब्द बताऊंगा कि युवक के संपादक कौन है, संपादक है राम ब्रच बेनीपुरी। सहयोग कौन किस किसने किया था, अंबिका कांत जी ने किया था, नारायण जी ने किया था। कहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी पटना से। कहां से हुई थी, पटना। अगला क्वेश्चन, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, स्वदेशी वस्त्रों के उपलब्धता ना होने के कारण छपरा के कैदियों ने कई दिनों तक की नंगे रहकर नंगी हड़ताल की थी। तो क्वेश्चन आता है कि जब हमारे असहयोग आंदोलन हुआ था तो कहां के कैदियों ने नंगे होकर हड़ताल की थी, तो याद रखेगा छपरा के कैदियों ने क्या करी थी, नंगे होकर हड़ताल की थी। यह बात कब की है, यह बात है 1930 की। कब की बात है बेटा, 1930 की। अगला क्वेश्चन लिखा गया, 26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी ने बेगूसराय जिले, एक बिहार पड़ता है बेगूसराय के परिहास में एक जुलूस उप पुलिस अधीक्षक, उनका नाम था बशीर अहमद, द्वारा गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसे 6 लोग घटना स्थल पर क्या हुए थे, शहीद हुए। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए कि परिहास में एक जुलूस के दौरान किस उप पुलिस अधीक्षक ने, उसका नाम था बशीर अहमद, क्या नाम था, बशीर अहमद, इनके द्वारा क्या किया गया, गोली चलाने का हुक्म दिया गया, इससे 6 लोग क्या हुए थे, घटना स्थल पर एक्सपायर हुए थे, मतलब खत्म हुए थे। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले से, कहां से बोला, बेगूसराय। तो क्वेश्चन आ जाए कि एक जुलूस के दौरान किस पुलिस अधीक्षक ने ये गोली चलाने का आदेश दिया, उसका नाम रखेंगे बशीर अहमद। बात कब की है, 1931 की है। किसके नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा था, रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में। यह रघुनाथ, ये कहां से स्टार्ट हुआ था, बेगूसराय से। अगला, इसके बाद होम रूल आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन में हम लोग एक मिनट रुकिएगा बेटा, जो होम रूल आंदोलन था इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या हुआ, इससे संबंधित कुछ बातें हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, भारत के होम रूल, होम मतलब घर, होम रूल आंदोलन का प्रारंभ 16 दिसंबर से, और सन याद रखिएगा 1916 में हुआ। तो 16 दिसंबर सन 1916, 16 तारीख रहेगी, 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है, 9 कितना होता है, 10 होता है। याद रखिएगा, कोई पूछेगा 9 एक 10 कितना होता है, 10 मतलब अक्टूबर। तो याद रखिएगा, अगर इस तारीख को आप जोड़ना चाहो तो कुछ करना नहीं, मैं आपको सीधे सीधे बता सकता हूं कि करना क्या है आपको, 9 और 1 10 याद रखिएगा। और 10 में हम लोग क्या कर सकते हैं, दिसंबर बनाने के लिए इसमें एक बार दो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका अगर हम लोग निकालें तो किस आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं, तो याद थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेशन करेंगे तो याद रखिएगा, जो दिसंबर 9 और 1 10, 9 और 1 10, और 10 से क्या बनता है, दिसंबर, अक्टूबर नहीं बनता है, दिसंबर। तो याद रखिएगा, 9 1 10 मतलब 10 और तारीख यही 16, 9 1 10 दिसंबर, तारीख क्या रहेगी, 16 1916। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजरूल उल हक ने, तो क्वेश्चन आ जाए होम रूल जो आंदोलन हुआ बिहार के क्षेत्र में उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो मौलाना मजरूल हक द्वारा किया गया था। इसका सचिव बनाया गया था चंद्रवंशी साय जी, जिसे बनाया चंद्रवंशी साय, और एक और व्यक्ति थे उनका नाम था बैद्यनाथ नारायण सिंह, क्या नाम था, बैद्यनाथ नारायण सिंह। इन दोनों लोगों के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, इनके सचिव मतलब कि चंद्रवंशी साय साहब और बैद्यनाथ नारायण सिंह जी ने, इन दोनों लोगों ने अध्यक्षता की थी मौलाना मजरूल हक जी ने। होम रूल आंदोलन की स्टार्टिंग बिहार के क्षेत्र में, के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना मजरूल हक साहब, कब हुआ था, मैंने कहा 9 और 1 10 दिसंबर, तारीख 1916 में, 16 उठा लाए, 16
दिसंबर 1916 इस दिन से स्टार्टिंग हुई। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। सबको पता होगा अपने आगे सबसे पहले क्या रहे हैं, देश के राष्ट्रपति रहे हैं। कहां से संबंध रखते थे, बिहार से संबंध रखते थे। उसके बाद एक नाम फिर आया कृष्ण सिंह, किसने भैया कृष्ण सिंह के प्रयासों से 1906 में हुई। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई, 1906 में, किन किन लोगों द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और कृष्ण सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन, याद रखिएगा 1906 में हुआ, जब स्थापना हुई थी उसी समय का पहला सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, पटना में हुआ, मैंने बताया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार पटना संबंध रख रहे थे, आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता किसने करी, मोहम्मद सुर्फ दीन साहब ने करी। किसने करी, मोहम्मद सुर्फ दीन। तो क्वेश्चन आ जाए, बिहार स्टूडेंट की स्थापना 1906 में किन के माध्यम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण सिंह के माध्यम से। पहला इसका सम्मेलन कब हुआ, 1906 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने करी, मोहम्मद सुर्फ दीन साहब ने करी। अगला, चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी को आप सभी लोग जानते हैं और सब लोग जानते हो चंपारण सत्याग्रह की भूमिका। देखते हैं भाई, भारत में सत्याग्रह का अब क्लियर आ रहा होगा आपको थोड़ा सा। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला क्या किया भैया, इसी वर्ष सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। ये बात है 1917 में, और कहां की बात है, बिहार की, और यहां का जिला पड़ता है चंपारण। चंपारण के दौरान समय महात्मा गांधी जी भी रवा लखन सेन नामक एक स्कूल में स्थापित किया गया था। जो सत्याग्रह था वो प्रॉपर वहां का स्कूल था, उस गांव का, और गांव का स्कूल था, उसका नाम था, गांव का नाम था भी रवा लखन सेन नामक गांव में एक स्कूल में स्थापित किया। तो क्वेश्चन आ जाए, चंपारण सत्याग्रह जो था वो किस सन में, 1917 में, किस गांव से स्थापित किया गया, तो भी रवा लखन सेन से स्थापित किया गया। उस समय अंग्रेज द्वारा वहां के किसानों से बलात् प्रत्येक बीघे की 3 गट्ठे पर नील की खेती करवाई होती थी। मतलब वहां पे जो टैक्स वसूला जा रहा था वो प्रत्येक बीघे के 3 गट्ठे पर नील की खेती क्या होती थी, कराई जाती थी। इस 3 कठिया व्यवस्था का, इसे तीन कठिया व्यवस्था कहा जाता था, जो 1856 से लेकर 1857 ईस्वी में इसी क्षेत्र के नीलहा मतलब नील बोने वाले किसान ने इसका क्या कर दिया, विद्रोह किया था पहले जमाने में। तो 1857 करीबन इसको नील कठिया के नाम जानते थे, नील बोने वाले किसान। एक नाम राजकुमार शुक्ल जी थे, इनसे मुलाकात हुई थी गांधी जी से। कहां हुई थी, ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 की बात है। ये यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ से गांधी जी का इन्होंने क्या किया, ध्यान आकर्षण किया। जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्हें सीधे सीधे गांधी जी को, जो ब्रिटिशर्स द्वारा नील की खेती के दौरान जिन किसान भाइयों का शोषण किया जा रहा था उसके बारे में उन्होंने उनका ध्यान क्या किया, आकर्षित किया। इसको लेकर गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला जी को इसका नेतृत्व करता, मतलब अनुरोध करने पर गांधी जी ने 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे, और चंपारण सत्याग्रह इन्होंने गांधी जी के सहयोग से नरहरि परेख, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण सिंह, उसके बाद मौलाना मजरूल उल हक, जे बी कृपलानी, ब्रज किशोर, शंभुनाथ, इन लोगों ने इसमें क्या लिया बेटा, भाग लिया। फिर उसके बाद राजकुमार, जो राजकुमार शुक्ला जी थे, चंपारण के मुरली भरावा गांव के निवासी थे। तो अच्छा क्वेश्चन है कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो राजकुमार शुक्ला जी, जो जिन्हें गांधी जी मुलाकात हुई, ये 1916 में कहां जाके मिले थे, कांग्रेस अधिवेशन मिले थे, और 1917 में ये चंपारण गांधी जी पहुंचे, वहीं चंपारण सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया। राजकुमार शुक्ला जी कहां से संबंध रखते थे, तो ये गांव था उसका नाम था भरावा। क्या नाम था भैया, भरावा। अगला लिखा है खिलाफत आंदोलन, याद रखिएगा 16 फरवरी सन 1919 की बात है। कब की बात है, 16 फरवरी सन 1919 को हसन इमाम ने एक सभा में शांति समारोह के बहिष्कार की बात की, मतलब शांति समारोह में बहिष्कार की बात की। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में भी ऐसा एक प्रस्ताव पारित किया गया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919, सबको पता है 1919 में हुई, भारतीय मुसलमानों द्वारा की गई थी। अब बिहार में मौलाना मजरूर उल हक ने इस आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया। बस यहां से एक अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार के किस मुसलमान भाई ने, बिहार के किस मुसलमान भाई ने खिलाफत आंदोलन में क्या दिया, सक्रिय सहयोग किया। उस व्यक्ति का नाम था मौलाना मजरूर उल हक साहब। फिर उसके बाद
19 मार्च 1920 को बिहार के समूचे मुसलमान मतलब पूरे के पूरे मुसलमानों ने एक हड़ताल की, जिसका व्याप जगदीशपुर में इंपॉर्टेंट है कि कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, 1770 में कहाँ हुआ था, तो जगदीशपुर में हुआ था। 1857 के विद्रोह में उन्होंने क्या लिया था बेटा, भाग लिया था। और कुंवर सिंह जी जगदीशपुर से इस पूरे विद्रोह का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। 1857 में इन्होंने विद्रोही देशभक्तों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों को इन्होंने क्या चबाए, लोहे के चना चबवाए। और 23 अप्रैल 1858 को इनकी क्या हो गई भैया, मृत्यु हो गई। बिहार सरकार ने प्रत्येक 23 अप्रैल को इन्हीं की श्रद्धांजलि पर क्या किया, विजय दिवस की क्या करी बेटा, घोषणा करी। तो क्वेश्चन यहां से इस तरह घुमाएगा, यहाँ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नहीं पूछेगा, क्या बिहार में विजय दिवस किस दिनांक को बनाया जाता है, बिहार प्रॉपर बिहार लिखेगा। तो बिहार का विजय दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, क्या किसके श्रद्धांजलि बनाया जाता है, तो वीर कुंवर सिंह जी के श्रद्धांजलि बनाया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजय दिवस किसके श्रद्धांजलि पर, वीर कुंवर सिंह जी के, कब, 23 अप्रैल को। मृत्यु कब हुई, 1858 को। जगदीशपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो कुंवर सिंह साहब। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी जो 1857 के विद्रोह में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध के दौरान जिनकी मृत्यु नहीं हुई, जिनकी मृत्यु अदर किसी रीजन में बीमार पड़ने के कारण हुई, लेकिन युद्ध के दौरान एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनका नाम क्या था, वीर कुंवर सिंह साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक। और काफी वृद्ध अवस्था में रहे, और वृद्ध अवस्था में भी अंग्रेजों को उन्होंने क्या किया भैया, बराबर से टक्कर दी। अगला करेक्टर अपने सामने है विलायत अली साहब का, किसका है, विलायत अली साहब। अच्छा करेक्टर इनका भी, इन्होंने वहाबी आंदोलन, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध वहाबी आंदोलन किया था, और इन्होंने 1826 में पश्चिमोत्तर सीमांत के वहाबी आंदोलन को संगठित किया। तो वहाबी आंदोलन जो किया था वो कब हुआ था, 1826 में, और 1826 में वहाबी आंदोलन का इन्होंने संगठन किया। 1836 में सिताना के वहाबी राज्य को इन्होंने प्रमुख रहे, जो सिताना वहां पड़ता है उसका वहाबी राज्य में ये क्या रहे भैया, प्रमुख रहे। इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ पटना के से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत गए, और 1851-52 में अंग्रेजी सेना से लड़ाई की। इसी वर्ष उनकी क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने वहाबी आंदोलन के साथ पटना के क्षेत्र से आगे की ओर बढ़े, और जब बढ़े तो ऐसी स्थिति में 1851-52 में इनकी भैया ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों की सेना से लड़ाई करते समय इनकी क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई। क्या क्वेश्चन आएगा कि विलायत अली साहब वहाबी आंदोलन के नेतृत्व किसने किया, विलायत अली साहब ने। क्या है दूसरा क्वेश्चन आएगा, इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमांत वहाबी आंदोलन का संगठन कब बनाया, 1826 में, और 1836 में इन्होंने क्या किया, सिताना के वहाबी राज्य में क्या किया, ये प्रमुख रहे। इसके बाद इनके अनुयायियों ने पटना से उत्तर पश्चिमोत्तर पश्चिम सीमा प्रांत गए, और 1851-52 में अंग्रेजी सेना से लड़ाई की। इसी वर्ष इनकी क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई थी। अगला नाम है अनुग्रह नारायण सिंह साहब। कौन भैया, अनुग्रह नारायण सिंह साहब। बिहार विभूति के नाम से इनको क्या करते हैं लोग, जानते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, बिहार विभूति किसे कहते हैं, तो बिहार विभूति किसे कहा जाता है, तो नाम बताएंगे, अनुग्रह नारायण सिंह जी को कहा जाता है। इसके बाद इनके बारे में बताना चाहूंगा, 18 जून 1887 को औरंगाबाद में क्या हुआ भैया, इनका जन्म हुआ। तो कोई पूछे नारायण जी का जन्म कब हुआ, तो 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था, औरंगाबाद में। अनुग्रह बाबूजी के नाम से विख्यात अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कुशल प्रशासक के रूप में क्या करे गए, जाने गए। 1930 में नमक आंदोलन और वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बिहार में सफल बनाने हेतु इन्होंने कठोर परिश्रम किया। तो हमारे यहाँ नमक कानून तोड़ो आंदोलन, और जो 1930 के नमक कानून आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भरपूर, हमारे आप नाम सुने होंगे महात्मा गांधी जी, इन लोगों का साथ दिए रहे, और लगातार उनका क्या दिया, उन्होंने साथ दिया। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री 1946 से 1957 तक बने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले उप मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया था, अनुग्रह नारायण सिंह जी को, वह वित्त मंत्री पद पर भी उन्होंने क्या किया, काम किया। 5 जुलाई सन 1857 को
इनकी क्या हो गई थी भैया, मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई, 1957 में। कहाँ हुई, पटना में हुई। कहाँ हुई बेटा, पटना में हुई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अच्छा करेक्टर है कि सबसे पहली चीज आ जाए कि बिहार से उस व्यक्ति का नाम बताइए जो नमक कानून आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों में भाग लिया, उनका नाम बताइए, अनुग्रह नारायण सिंह जी। अगला क्वेश्चन जो घुमा देगा, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए, अनुग्रह नारायण सिंह जी। इनकी मृत्यु कहां हुई थी, पटना में हुई थी। कब हुई थी, 1957 में हुई थी। अगला करेक्टर योगेंद्र शुक्ला जी, इनका जन्म 1896 में हुआ था, वैशाली पड़ता है बिहार के क्षेत्र में, और वहां पे प्रॉपर जगह है जलालपुर। क्या नाम है, जलालपुर, लालगंज प्रॉपर स्थल का नाम है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, वैशाली बिहार के जलालपुर लालगंज में। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, समझ गए होगे आप लोग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना करी। बसावन सिंह के साथ मिलकर इन्होंने बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी क्या करी, स्थापना करी। जो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बिहार के क्षेत्र में HSRA की स्थापना किसने करी, योगेंद्र शुक्ला जी ने। क्वेश्चन कहते बिहार के क्षेत्र में इन्होंने बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी किसने करी थी, योगेंद्र शुक्ला जी ने। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इन्हें वर्ष 1932 से लेकर 1937 तक की अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में सेलुलर जेल में इन्होंने काला पानी की क्या काटी बेटा, सजा काटी। तो क्वेश्चन आ जाए कुछ व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में सजा काटी, उस बिहार के महत्वपूर्ण योगदान स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए, तो नाम बताएंगे योगेंद्र शुक्ला जी। अगला जयप्रकाश नारायण, एक महान हस्ती जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे संविधान में भी, जब इन्होंने निर्मित, हमारा संविधान निर्मित हो रहा था, और बहुत बड़ा योगदान रहा सर्वोदय आंदोलन में, इनका ध्यान रखिएगा। एक महान करेक्टर है, एक अच्छा करेक्टर है, यहां से क्वेश्चन बनने के लगभग लगभग 100% चांसेस है। देखते हैं इनके बारे में, इनका जो जन्म हुआ वो सिताब दिया दियारा नामक स्थान में हुआ था, और कब हुआ था, 1902 में, तारीख थी 11 अक्टूबर। तो जब आपको थोड़ा सा घुमाएगा तो इन लोगों के करेक्टर से इनके जन्म पूछ सकता है किस तारीख को हुआ, तो याद रखें 11 अक्टूबर 1902 में हुआ। मार्क्सवादी विचारधारा, जयप्रकाश ने 1929 में अपने अमेरिका प्रवास से लौटने के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के क्या बने बेटा, सदस्य बने। 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का क्या किया, गठन किया। अच्छा क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, जयप्रकाश नारायण जी ने 1952 में। 1954 में इन्होंने पार्टी को छोड़कर विनोबा भावे के साथ ये भूदान आंदोलन लग गए। आंध्र प्रदेश के कोचमपल्ली गांव से विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था। फिर 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुई थी, और इन्हीं के द्वारा एक लोक नायक नजर बंद कर दिया गया था, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय ये सर्वोदय आंदोलन को बहुत चरम पर ले जा चुके थे, और कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने एक विरोध पूर्वक कार्य किया था। इस विरोध पूर्वक में आपको बताना चाहूंगा 1947 से लेकर 1977 तक की बेटा जो कांग्रेस पार्टी लगातार कंटिन्यू चलती रही, वो 1977 में पहली बार कांग्रेस मुक्त भारत हुआ था, और नाम सुना होगा मोरारजी देसाई जी का, वो देश के क्या बने थे, प्रधानमंत्री। उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा भैया, जयप्रकाश नारायण जी का, सर्वोदय आंदोलन का। लोकनायक के नाम से एक प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण जी का देहांत पटना में हुआ, और कब हुआ, 1979 में हुआ। कब हुआ बेटा, 1979 में। तो बहुत अच्छा करेक्टर है, इस करेक्टर से 100% यहां क्वेश्चन बनने के क्या है बेटा, चांसेस है। अगला क्वेश्चन है जगजीवन राम जी का, यह भी बहुत अच्छा करेक्टर इनका भी है। जितने भी इंपॉर्टेंट यहां जहां मैं पॉइंट बना रहा हूं उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या करना है बेटा, देखना है। जगजीवन राम जी देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखते हैं भाई, जब मोरारजी बताए थोड़े पहले, मोरारजी देसाई जी, अभी चर्चा चला रहा हूं इनके बारे में। दलितों के इनको मसीहा कहा जाता, तो दलितों का मसीहा बिहार में किसे माना जाता है, तो जगजीवन राम जी। इनका जन्म 5 अप्रैल, जितने भी आपको जन्म बता रहा इनको याद रखना है, 1908 में हुआ। कहाँ हुआ, भोजपुर में हुआ। कहाँ हुआ, भोजपुर। गांव का नाम चंदवा। क्या नाम है, चंदवा। तो कहाँ हुआ था, भोजपुर में हुआ था, चंदवा में। कब हुआ था, 5 अप्रैल 1908 को हुआ था। दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है, जगजीवन राम जी को। इन्होंने सन 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में
भाग लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी तक के अधीन मंत्रिमंडल में इन्होंने क्या किया है, विभिन्न विभागों को संभाला है। 1977 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार गई तो मैं बताना चाहूंगा जनता पार्टी की सरकार आई जिसका चुनाव चिन्ह था हलेलुया किसान, उसमें मोरारजी देसाई जी का बहुत बड़ा रोल रहा और इन्होंने इन्हें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें क्या किया गया भैया, नियुक्त किया गया। तो उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम साहब थे। 6 जुलाई 1986 को इनकी क्या हो गई भैया, मृत्यु हो गई। तो 6 जुलाई 1986 को इनकी क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। तो यहां से याद रखिएगा दलितों का मसीहा जगजीवन राम जी, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड तक की मंत्रिमंडल का भाग रहे, जगजीवन राम जी। जब इंदिरा गांधी की सरकार गई 1977 में तो प्रधानमंत्री पद पर किसको नियुक्त किया गया, जगजीवन राम जी को। मृत्यु कहां हुई, इनकी मृत्यु जो 6 जुलाई 1986 में हुई। और सबसे बड़ी खूबी यह रही कि इनका जो जन्म था वो याद रखिएगा भोजपुर के चंदवा गांव में हुआ था। अगला करेक्टर बैकुंड शुक्ल जी, जो बैकुंड शुक्ल जी हैं इनका जो करेक्टर है वो इस तरीके से है कि इनका जन्म भी कहां हुआ था, जलालपुर के, पता पीछे मैं सॉल्व करा के आया हूं, बताया मैंने थोड़े पहले, वैशाली में। क्रांतिकारी और समाजवादी योगेंद्र शुक्ला जी के ये भतीजे थे, क्योंकि समझ गए होंगे कि एक ही जगह से संबंध योगेंद्र शुक्ला जी, वो भी जलालपुर से, ये भी जलालपुर से, और सगे उनके क्या थे, भतीजे थे। लाहौर षड्यंत्र जब केस हुआ था, सैंडर्स की हत्या हुई थी, इन्हें फणीन्द्र घोष की इन्होंने बेतियों में हत्या कर दी गई थी। फणीन्द्र जो घोष थे इनकी इन्होंने बेतियों में हत्या कर दी। इसी आरोप में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 14 मई 1934 को सेंट्रल जेल में क्या दे दी भैया, फांसी दे दी धारा किएगा। तो लॉर्ड षड्यंत्र केस में इनका जब नाम आया तो उसमें फणीन्द्र घोष की इनके ऊपर लगाया गया, फणीन्द्र घोष की इन्होंने हत्या करी है। इस कारणवश 14 मई 1934 को इनको सेंट्रल जेल में क्या दे दी गई बेटा, फांसी दे दी गई। अगला करेक्टर, तो जितने भी इंपॉर्टेंट करेक्टर थे वो यहां तक मैंने आपको क्या कर दिए, समझा दिए। इसके बाद अपने क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, मैं सॉल्व कराने जाऊंगा। जितने भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक पढ़ चुके हैं उन्हीं से संबंधित ये क्या है भैया, क्वेश्चन है। तो इसी को हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए और इस कैरेक्टर को पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, यह है जगजीवन राम जी का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण, इसको एक बार रिवीजन कीजिए।